कटा हुआ शिमला मिर्च, कटी हुई फूल गोभी, कटा हुआ बीन्स एंड ग्रेट की हुई गाजर। कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। अब इसमें तेल डालेंगे। जब तेल कुक हो जाए तब उसमें हम कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, फूल गोभी डालेंगे, ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे। इन सब सब्जियों को ढककर पका लेंगे। चेक कर लेंगे कि हमारी वेजीज थोड़ी सी कुक हुई कि नहीं हुई। वेजीज अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे, सेजवान राइस मसाला। को अच्छी तरीके से सब्जियों में मिला देंगे। चावल कुक किए थे, अब हम इसको अपनी सब्जियों में मिला देंगे। पके हुए चावल को सब्जियों में अच्छे से मिला देंगे, इसका सारा मसाला चावल में आ जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसे 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। अब हम इसको प्लेट पर सर्व करेंगे। देखने में कितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है, एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।